वापस एक बार हम लोग आ गए हैं ब्रदर्स एसएमबी के अंदर। लिटरली गाइस काफी दिनों बाद हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं एंड भाई सीरियसली बोलूं कुछ ज्यादा ही बड़ा है अपना एसएमबी। मुझे जस्ट रियलाइज हुआ मैं अभी अपने गन पाउडर फार्म के ऊपर खड़ा हूँ और वो देखो वहाँ पे मेरा स्टैचू जो कि मेरे भाई ने बनाया था एंड उसके साइड पे मैंने स्टार्ट किया है उसका स्टैचू बनाना मेरे भाई का, लेकिन उसके अंदर एक खतरनाक सा ट्विस्ट मैं ऐड करने वाला हूँ। ओके फटाक से मैं अपना आर्मर पहन लेता हूँ क्योंकि अपने को करना है वो बकेट ट्रिक यहाँ से। ठीक है भाई इतना ऊपर तक हम आ ही गए तो नीचे जाने के लिए करने वाले सीधा एमएलजी ही गए, तो एमएलजी करते आराम से। ओ भाई परफेक्ट किया मैं, वरना थोड़ा सा भी साइड पे हो जाता मर जाता अभी के अभी। गाइस यार क्या मजे आते हैं यार ब्रदर्स एसएमबी में। अगर आपको ब्रदर्स एसएमबी के और भी एपिसोड चाहिए तो लाइक के बटन को तुरंत दबा दो, 10,000 लाइक जल्दी से कर दो। ये क्यों रखा मैंने, ठीक है ये सब छोड़ो गाइस। अपना ब्रदर्स एसएमबी मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेट किया था, लाइव स्ट्रीम पे किया था जितना आपको याद होगा। एंड ये देखो ये मेरा स्टैचू, काफी बड़ा स्टैचू है। अपने पास अनलिमिटेड वुल्फ फार्म है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत कम जा रही है, वरना तो भाई लिटरल बोलता ये सब करने में काफी टाइम लगता है। अंदर से आपको शिप्स की वो चिल्लाने वाली आवाज आ रही है, उनका वुल काटा जा रहा है 10 बार। लिटरल देखो यहाँ पे सारे टाइप के वुल मिल जाएंगे, यहाँ पे भी है दूसरे साइड पे भी है, कोई सीन नहीं अपने पास, तो वुल की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है अपने को। बस भाई बहुत ही हाई लेवल का बिल्ड करना पड़ेगा। जो अजीब सी चीज है मेरे पास जो जरूरत है वो यहाँ पे कहीं पे चेस्ट में रख देता हूँ, पड़ी हुई अपनी चेस्ट है, मैंने बनाई थी यहाँ पे जस्ट। ये देखो एक्स्ट्रा चीज है यहाँ पे, आई थिंक ग्रीन कलर का लगेगा क्या। ये देखो ये वाली स्किन अपने को बनवानी, यानी कि अलेक्स की स्किन। इस पे अभी से ब्राउन थोड़ा सा थोड़ा ग्रीन चाहिए, बहुत इजी स्किन कलर चाहिए, ये सब तो अपने पास है पहले से ही पड़ा हुआ। मुझे बस अभी ये देखो ऐसा वुल यार इकट्ठा हो जाता है ऊपर से, ये सब छोड़ो यार मुझे खाने का भी इंतजाम करना पड़ेगा। अभी मैंने रियलाइज किया कि अपने पास खाने की भी कमी है। वैसे तो अपना फार्म पड़ा है वहाँ पे, बट हम लोगों ने काफी टाइम से यहाँ पे लॉग इन नहीं किया तो फार्म में शायद से गेहूं कम होगा। ये भाई ये देखो ये कौन बंदा वहाँ पे, इधर आएगा इधर आएगा, हाँ इधर इधर आएगा इधर आएगा, बड़ा आया। ये अपना फार्म काम करता है क्या, वो भी मैंने काफी टाइम से चेकआउट नहीं किया है। वेट ओ भाई ये खतरनाक काम कर रहा है, लिटरली खतरनाक। इसके अंदर बिल्लियां मैंने किडनैप करके रखी है, ठीक है। So, ये है अपना गेहूं का फार्म भाई, काफी खतरनाक बना ये वाला भी। इतना बड़ा फार्म आपने किसी का देखा क्या गेहूं का, सिर्फ गेहूं का फार्म। सोचो यहाँ पे बीट भी लगा है, सीड्स को वगैरह मैं अंदर रख लेता, अब एक जगह ही नहीं है यहाँ पे क्या, यहाँ पे ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है, एंड इसको भी यहाँ पे रख लेता हूँ। सीड्स एक्चुअली अपने पास काफी सारी है, सीड्स वगैरह यहाँ पे रख लेते हैं एंड जितनी हो सकती है उतनी ब्रेड में बनवा लेता हूँ क्योंकि अपने को खाने की काफी जरूरत पड़ती है। 59 हो गया काम, बंद कर लो, सो जाते आराम से। The next day. यहाँ से अपने को 12 ऊपर तक ब्राउन वुल लगानी है। सीरियसली मेरी वाली मेथड में आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं तेजी से लगाता हूँ। तो क्या करना है, पहले एक कॉर्नर पे लगा दो, ठीक है, यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा लगा लो। देन सिर्फ अभी ये देखो अभी यहाँ से दिखाता हूँ, सिर्फ अभी पीछे पीछे चलते जाओगे। देखो अभी यहाँ से जब यहाँ पे आओगे तब यहाँ पे एक और लगा दो, सेम चीज करो सारे कॉर्नर्स पे, ये चीज करनी है बस और कुछ नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे वापस से हम लोग स्टार्ट करने वाले, तो यहाँ पे एक लगा दो, पीछे अपने एक होगा ही, हमेशा ही होगा, देखो है ना हमेशा। ये काफी तेज मेथड यार मेरा। गाइस फाइनली अपना अलेक्स बन गया वेट, लेकिन रात में क्या दिखाऊंगा आपको, पहले सो लेते हैं भाई, आराम से दिखाता हूँ। आई थिंक बढ़िया बना है देखते हुए, ऐसे बढ़िया ही लगता है। वेट अभी आपको दिखाता हूँ, डैन टैन। एक मिनट, इसका मुंह ऐसा क्यों दिख रहा है, मुंह मैं बना के नीचे आ गया हूँ तब मैं देख रहा हूँ फर्स्ट टाइम, ऐसा थोड़ा सा यही लग रहा है यार, मतलब पतला सा लग रहा है। बट ये छोड़ो यार, ये अपनी इम्पोर्टेंट बात है ही नहीं, इससे मेरे को ज्यादा मतलब है ही नहीं। एक्चुअल जो चीज करनी है मुझे वो है इसके अंदर से, लिटरली अंदर से कुछ करना है, बहुत बड़ा कांड करने वाले हम लोग। अंदर कोई आया तो नहीं ना, नहीं। सो अंदर से मुझे एक खतरनाक सा ट्रैप बनवाना है एंड ये काफी इजी है करना, बस मुझे ना थोड़ी बहुत ये चाहिए, लावा बकेट चाहिए, बाकी सारी चीजें भी मैं रख देता हूँ। लावा बकेट आई थिंक 5-6 भी होगी तो भी इनफ है। ओके 6 बनवाता हूँ, 6 बकेट बन गई। एंड लावा कहाँ से लेके आओ, मैं भूल गया, आई थिंक वो साइड अपने पास एक लावा पुल है, प्लस हम लोग नेदर में भी जा सकते हैं, नेदर में जाने से बेटर है लावा पुल से उठा के लेके आओ यार। क्या
क्या ये अभी भी काम करता है? यार काम करता है यार, सीरियसली मेरा ऑटोमेटिक डॉक यार क्या क्या चीजें बनाई देखो एसएमपी में। और ये देखो मेरे भाई की ये अंडरग्राउंड सीक्रेट नहीं बस अंडरग्राउंड लाइब्रेरी है। ये साइड पे एक अपना आयरन का फार्म है, उसके बाजू में एक लावा पुल था। ये देखो ये है अपना, वेट यहाँ पे लावा पुल नहीं है क्या? आई थॉट यही पे है यार लावा पुल, नहीं सच्ची में नहीं है लावा पुल। है देखा मैंने बोला था ना भाई, मुझे याद है क्योंकि फर्स्ट नेदर पोर्टल मैंने यहाँ से बनवाया था। चलो यहाँ से फुल लावा उठाया जाए, छह बकेट इनफ हो गई और यहाँ से भी निकलते हैं। अब गोलेम की तरफ मत देखो, उसको मरने दो, हम लोग यहाँ से निकलेंगे चुपचाप से एकदम। चल मेरे पास एक्चुअली मैं एक्सपी फार्म भी, ये मैं बहुत बार भूल जाता हूँ। हम लोग एंचैंटमेंट्स खतरनाक वाली लगा सकते हैं अपनी सारी की सारी चीजों पे, हर एक चीज पे एंचैंटमेंट लग सकती है। भाई वो वाले स्टैचूज इतने बड़े हो गए था, बस एलेक्स को थोड़ा ऊंचाई करना पड़ेगा मुझे, तभी बात बनेगी। एंड इसको यहाँ पे रख दो, तोड़ दो, ऑटोमेटिकली अंदर जाना चाहिए था। ये अंदर क्यों नहीं गया ये? लो हाँ गया गया। यहाँ पे एक कैक्टस लगा दूंगा ना तो परफेक्ट हो जाएगा सब चीज। बट यार एक कॉकवेब भी मुझे लेके आना है, एक नहीं एक्चुअली काफी सारे लेके आने। मेरे पास सिल्क टच तो है तो कोई सीन नहीं, अपने पास एक शिप रखते क्या बोलते वो नीचे का माइन शाफ्ट है एक जगह पे, उनको मैं ढूंढता हूँ। ओके भाई यहाँ पे स्पाइडर्स भी काफी सारे, कोई सीन नहीं कोई सीन नहीं। अब हट जा यार, काफी पॉइजन स्पाइडर्स है। ओके तो मुझे क्या चाहिए पता है, मुझे एक्चुअली कॉबवेब चाहिए। आई होप कि मुझे मिल जाए कॉबवेब, मैंने कभी ऐसे सिल्टच से तोड़ के नहीं देखा है। कॉबवेब बन तो नहीं सकता, क्राफ्ट तो नहीं हो सकता इतना मुझे पता है। भाई काफी सारे कॉबवेब्स लगेगी यार मुझे, ऐसे तो थक जाएंगे हम। सॉर्ड पे सिल्टच, ये और इससे कॉबवेब नहीं मिलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ सीरियसली मुझे लगा इससे कॉबवेब मिल जाएगा यार अपने को, सच्ची में आई हैड नो आइडिया कि ऐसे कॉबवेब नहीं मिलता। वेट कॉबवेब बन सकता है क्या, वो देखना पड़ेगा। तो मुझे भाई मुझे समझ गया किससे मिलता है कॉबवेब, मुझे लिटरली पता नहीं था कि शीयर्स का इस्तेमाल हो सकता है कॉबवेब के लिए। रुको तोड़ के देखते हैं, ये अब लिटरली कॉबवेब मिल गया। ये मता 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 मता, मुझे सच्ची पता नहीं था इतना इजी है कॉबवेब लेना यार। ये हटा हट हट हटेगा, अबे हटेगा, घटिया बंदे यार। अबे यार मत मत कर, ऐसे काफी सारे स्पॉनर है आजू बाजू में, इसलिए मे भी ये अभी ऐसा बर्ताव कर रहे ये लोग। सारा कॉम्बे बिठा देता हूँ। अबे भाई यार आ गया एक और, आ गया सीरियसली तू कहाँ से आया? इसके ऊपर ना ये सब लगा देता हूँ मैं भी, आएंगे नहीं। अरे किससे तोड़ा मैंने, काफी सारे हो गए, 22 में भी इनफ था ये। मुझे और थोड़े से लेने पड़ेंगे आजू बाजू से लेके आते हैं। ठीक है ये देखो ऐसे आजू बाजू में पड़े ही रहते हैं यहाँ पे ये कॉबवेब्स। ठीक है तो कोई सीन नहीं अपने को। ओके सो अभी अपने को क्या करना मैं दिखाता हूँ आपको जल्दी से। वेट भाई ये लोग क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, अबे तुम लोग जल जाओ यार नुबड़े कहीं के। ठीक है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक ये बनाता हूँ, अंदर गड्ढा बनाते, कोई अंदर है नहीं। हेलो अबे यार तू क्यों आया यहाँ पे, ये क्या दिया इससे आयरन दिया सच्ची में? ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं 6x6 का गड्ढा बनाते हैं, बेटर रहेगा क्योंकि बहुत बड़ा बनाने जाऊंगा ना वाट टेक्नोलॉजी मेरी, 6x6 इनफ हो जाएगा मेरे। 6x6 का भी बनाऊंगा इनफ हो जाएगा। मुझे काफी सारी सैंड लगेगी, सैंड तो अपने पास पड़ी हुई है, एक बार मैंने ग्लास के लिए काफी सारी उठा ली थी सैंड, तो उसका इस्तेमाल हो जाएगा अपने पास। एंड इसकी नीचे कितना बनाऊं ये मैं वो सोच रहा हूँ। पिकैक्स नहीं है अपने पास, पिकैक्स के एक्चुअली में जरूरत पड़ने वाली है। सैंड एक्चुअली ज्यादा भी नहीं लगेगी, सिर्फ आधा स्टैक भी इनफ हो जाएगा, लाइक 6x6। हम लोग एक्चुअली में ना सैंड सब जगह लगाएंगे ठीक है अंदर से, तो शक ना आ जाए। बट सिर्फ यहाँ पे लाइक इतनी सी जगह पे हम लोग ये करेंगे, इसको क्या बोलते हैं गड्ढा करेंगे पूरा। एक मिनट कॉबवेब को पानी से कुछ होता है क्या, मुझे वो देखना है। ठीक है अरे पानी से तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है यार, तो थोड़ा सा मुझे संभल के ही चीजें करनी पड़ेगी ऑब्वियस सी बात है। भाई साहब सीरियसली बोलता हूँ मुझे पता नहीं था कि एक ट्रैप बनवाने के लिए इतनी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी। सीरियसली नीचे तक खोदा है मैंने एंड इसके ऊपर अभी सैंड डालूंगा। आई थिंक मुझे मेरे भाई को एक सही जगह पे लाने के लिए कुछ और साइंस चाहिए, उसके लिए मैंने ना अलग से बर्च वाले साइंस बना दिए, तो उसको यार डाउट नहीं आएगा कि ऊपर बर्च लगाया नीचे इसने ओक के साइंस क्यों लगाया। इसलिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ बर्च वाला साइन एंड इसको यहाँ पे परफेक्ट सेंटर में लगाते हैं। नूब नूब लिखते इस पे सिर्फ एंड इस पे
नूब लंबा वाला। कोई तो ये तोड़ने के लिए यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पड़ेगा, तब तक मैं साइड से आऊंगा और यहाँ पे इसको तोड़ दूंगा, हो गया अपना काम, तुरंत नीचे चला जाएगा बंदा एंड तुरंत मरेगा नहीं, ठीक है। और भाई थोड़ा सा और भी मेरे पास प्लान है इस चीज का, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, हम लोग उसको भी बुलाते हैं, अभी सुबह भी हो गई है। अभी यार ये कहाँ रह गया, अभी आने वाला था। ओए नोबड़े भाई कहाँ पे आ गया, हेलो ये देखो आ गया, कहाँ पे, कहाँ पे तू, पता नहीं रुकना आ रहा हूँ, आ गया मैं अभी घर की तरफ। वो देख सामने दिख रहा है कुछ तेरे को, अच्छा तेरे बाजू में मेरा स्टैचू बना है तूने, हाँ मेरे लिए स्टैचू बनाया, तेरे लिए बनाया लेकिन थोड़ा उसका मुंह सही नहीं दिख रहा यार, उसका मुंह सही नहीं दिख रहा, तेरे मुंह जैसा बनाएगा तूने। अबे वो क्या हो गया ना, वो तू वो क्या, मेरे को लगा तू चाइनीज बन गया तो मैंने तेरे को चाइनीज बना दिया। भाई रेसिस्ट वीडियो मत बना यार, डिलीट कर। अरे हुआ क्या कि तेरे स्टैचू का हाइट मेरे से कम हो रहा था, बट ये तो सही नहीं होगा ना, तो इसलिए मुझे लगा थोड़ा सा भी भाई ये क्या बना है, छी गंदा सा मुंह यार। अरे बाकी सब सही है लेकिन कितना अच्छा है इसका मुंह, थोड़े टाइम बाद मैं सही कर सकता हूँ, उसका कुछ सीन नहीं, ठीक है। चलेगा चलेगा कर दे भाई, मेरे लिए क्या बढ़िया लग रहा है अपना स्टैचू, गाइस देखो यार क्या सही लग रहा है, ब्रदर्स एसएम में ब्रदर्स का स्टैचू देखो दोस्तों, और भी थोड़ा सा बढ़िया बनेगा, ठीक है। इसका अंदर से भी देखता है क्या लिखा है मैंने तेरे लिए, अंदर कुछ अरे अंदर भी बढ़िया चीज है, अंदर भी देख ले क्या है अंदर, अच्छा यहाँ पे जगह रखी है तूने, क्या लिखा है, पढ़ पढ़ क्या लिखा है, नूब नूब नूब, क्या इसका मतलब क्या है, अभी समझा क्या मतलब है भाई, तूने स्टैचू बनाया कि क्रैप, मर जाएगा तू अभी नीचे, उन्होंने नीचे लावा है भाई, निकल दे, अगर तुझे बच्चा है तो मेरा 24 आवर्स तक सुद्धा बढ़ेगा, समझा तू, सुनूंगा भाई निकल यार भाई निकल, तेरे पास वाटर बकेट है क्या, जल्दी, अरे नहीं है जल्दी डाल, पक्का 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 था, सुनेगा पक्का पक्का भाई, पक्का सुनूंगा यार, ये ले ले पाल डाल ले, आजा 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 भाई 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 भाई, बच गया बच गया, गाइस अभी क्या सुनूंगा, निकल निकल, ओए अरे नहीं सुनूंगा सुनूंगा सुनूंगा, हां अभी वरना ऊपर से मैं कुछ फेंक देता वरना मार देता, नेदरराइट वाला बंदा हूँ समझा, रुकना निकल नहीं पा रहा हूँ यार भाई बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसको बोलते हैं नूब बंदे दोस्तों, अरे मेरी थोड़ी गलती यार, कोब्बे पे देख आ गया मैं ऊपर, अच्छा गई क्या बाजी है, अभी क्या घंटा सुनूंगा, ओए ओए चला जा इधर, सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ गाइस यार, सुन गाइस तो देखो इसको फंसा के मैंने 24 आवर्स के लिए अपना गुलाम बना लिया है, इसके वीडियो पे देखता कि कैसे ये गुलाम बनता है, ए मार मत, बहुत मारूंगा, नहीं मारा नहीं मारा, ऐसा गुलामगिरी कराएंगे ना इससे, भाई देखते जाओ तुम लोग, चैनल को सब्सक्राइब करके रखता और ब्रदर्स एसएमबी के और भी खतरनाक से वीडियोस आएंगे उसके लिए भी रेडी रहना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।